हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 5। ओके बेटा, और एक और पार्ट हमारा बचेगा, उसको हम एक दो दिन में देख लेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस पार्ट का, वो एक्चुअली ये पार्ट जो है हमारा वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पर बेस्ड आधारित है। इसके पहले जो हमने पार्ट देखा था पार्ट 4, वो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर और स्विचेज वगैरह पर था, जिसको आई होप आपने देख लिया होगा। तो जो हमारा पांचवा पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज, पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज, जो बैकअप प्रोटेक्शन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर हिंदी में बोले तो। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूं बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, तो जैसे कि नाम आपका बता रहा है, जैसे कि आपने कई बार बोला सुना होगा आपस में चर्चा करते हुए लोगों को, भाई अगर आप कुछ करने जा रहे हैं ठीक है ना, तो एक बैकअप प्लान भी रखिए, इनकेस अगर आपका मेन प्लान फेल हो जाता है तो बैकअप वाले से आप काम चलाइएगा। तो जो आपका आपको पहले से पता है बैकअप के बारे में, बैकअप होता क्या है ना, एक्चुअली सेम जो मीनिंग है ना यहां पर लग रहा है। पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज, इसका पर्पज ये होता है कि अगर मेन प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है, बैकअप प्रोटेक्शन है, उसका इस्तेमाल हो। तो देखिए यहां पर ऑप्शन हमारे क्या क्या है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोटेक्शन, ऑप्शन ए जो है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोटेक्शन, टू इंक्रीज रीच मीन्स दूरी बढ़ा दें हम प्रोटेक्शन की, टू लीव नो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि इस रीजन को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उस रीजन के कोई खास पोर्शन जो है अनप्रोटेक्टेड छूट जाए, है ना, बिना असुरक्षित छूट जाए, वो प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। और चौथा ऑप्शन क्या है, टू गार्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ प्राइमरी, है ना, चौथा ऑप्शन क्या है, टू गार्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ प्राइमरी। यस, तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है या फिर जो मेन प्रोटेक्शन अगर वो फेल हो जाए तो उस परिस्थिति में काम करने के लिए, है ना, हम मुख्य रूप से आपका जो है बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी क्या है, ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाइए, ये क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्टिव रिलेज आर डिवाइसेस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेजरिंग, है ना, ये पहले से आपको पता है। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, द सेंसिंग डिवाइस, है ना, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स और यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एबनॉर्मल कंडीशंस, है ना, जो एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं, जो फॉल्ट हो जाते हैं उसको डिटेक्ट कर जाता है। एक्चुअली पता उसी को चलता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, वो पता कैसे करता है, इस पर आधारित आपका एक दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन के एक बार हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या है, प्रोटेक्टिव रिलेज आर डिवाइसेस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बाय मेजरिंग। प्रोटेक्टिव रिले वो युक्ति होते हैं, डिवाइस होते हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, है ना, पता करते हैं, मेजर करके, क्या मेजर करके, क्या वोल्टेज को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस और नन ऑफ द अबव, तो इसमें से किस चीज को मेजर करते हैं। तो देखिए, हम ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं कि वो वोल्टेज को मेजर करता है या फिर करंट को मेजर करता है या फिर आपका क्या है कि फेज जो है ना या फ्रीक्वेंसीज को मेजर करता है, ऐसा नहीं है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है ना। इसलिए अगर मैं वोल्टेज को बोल दें तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, वो करंट को मेजर नहीं करता, उसको हम करंट के मेजरमेंट के आधार पर भी हम बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आपके रिले होते हैं जो करंट के वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे रिले होते हैं जो वोल्टेज के वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, है ना। एक्चुअली जो वोल्टेज या करंट जो हम क्वांटिटी चर्चा कर रहे हैं बेटा, इसका यहां पर मतलब हमें ये समझना चाहिए कि एक रिले है, फॉर एग्जांपल एक रिले हमारा, वो क्या है कि करंट के वैल्यू को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस रिले की हमने सेटिंग, मान लीजिए हमें जिस रीजन को, पावर सिस्टम के जिस रीजन को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें पता है कि उस रीजन में हेल्दी कंडीशन में लगभग करंट जो है ना 20 एम्पियर तक जाता है, तो हम क्या करेंगे, रिले की सेटिंग ना 20 एम्पियर तक की कर देते हैं, है ना, उसी के प्रोपोर्शन में रिले की कुछ सेटिंग होगी इस 20 एम्पियर के प्रोपोर्शन में। अब क्या है कि ये तो हमें पता है कि 20 एम्पियर या फिर 25 एम्पियर तक की सेटिंग हम कर देते हैं, इतना तक करंट अगर रिले से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, या इसके प्रोपोर्शन करंट अगर रिले से फ्लो हो रहा है, तो फिर रिले क्या है कि आपका मानता है कि हेल्दी कंडीशन है। लेकिन किसी कारणवश, तो कारणवश क्या होगा, फॉल्ट के कंडीशन में करंट आपका ज्यादा फ्लो होने लगेगा। तो चूंकि हमने रिले की सेटिंग 25 एम्पियर के अनुसार कर रखी है, है ना, तो जैसे ही 30 एम्पियर या 35 एम्पियर या 40 एम्पियर या 50 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो रिले क्या मानता है कि नहीं, फॉल्ट हो गया है। इसी प्रकार से रिले क्या करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, उसमें कोई जादू वगैरह नहीं लगा होता है। उसमें क्या है कि हम वोल्टेज या करंट या फिर क्या है कि आपका फेज एंगल, इसके एक वैल्यू तक उसको सेट करके रखते हैं। उस वो जो वैल्यू है ना, वो क्वांटिटी जो हमारे हैं, करंट, वोल्टेज या फेज एंगल, ये
जो प्रीसेटेड वैल्यू है उससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो रिले क्या समझ लेता है कि फॉल्ट हो गया, और फॉल्ट होने के बाद क्या करता है वो सर्किट ब्रेकर को अब क्या करता है एग्जीक्यूट कर देता है, और इस तरह से क्या है कि हेल्दी सेक्शन पावर सिस्टम का फॉल्टी सेक्शन से अलग हो जाता है। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर सब ऑप्शन का आप विचार करें तो आपका ऑप्शन बी जो है ना वो ट्रू है। एक कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार हरदम वो क्या करता है मेजर करते रहता है क्या डिफरेंस है ना एबनॉर्मल और नॉर्मल क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस है ना उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेजर करते रहता है। एक्चुअली नॉर्मल क्वांटिटी में जो करंट फ्लो होता है उससे थोड़ा ज्यादा कम सेटिंग करते हैं, और करंट को हरदम करंट अगर नॉर्मल कंडीशन में भी करंट फ्लो होता है रिले में, लेके आए कि आपका रिले उसको सेंस करता है नॉर्मल कंडीशन को भी सेंस करता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि जब कभी फॉल्ट अगर हो गया तो उसमें करंट ज्यादा फॉल्ट के केस में करंट ज्यादा फ्लो होता है तो उसको एज ए फॉल्ट डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को क्या कर देता है वो ऑन कर देता है। तो ऑप्शन सी यहां पर ट्रू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वांटिटी द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर रिले में भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी का मतलब ये समझना चाहिए जो अभी मैं चर्चा कर रहा था ना रिले जो है ना किस आधार पर किस क्वांटिटी के आधार पर हो सकता है, तो किस क्वांटिटी के आधार पर हो सकता है उसी को हम एक्चुएटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। तो किस आधार पर हो सकता है बेटा भाई, मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज है ना, मैग्नीट्यूड मीन करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ना, और उसकी फेज या फ्रीक्वेंसी सबके आधार पर हो सकता है। इसलिए क्या है कि इन सभी के आधार पर रिले आपका हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने यहां पर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है बेटा, देखिए द प्रोटेक्टिव रिले इज प्रोवाइडेड टू किस चीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्टिव रिले को। तो पहला ऑप्शन ये है कि प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी टू द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी प्रोवाइड करते हैं वो, तो सिस्टम को प्रोटेक्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, सर्किट ब्रेकर तो खुद ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि क्लोज द कॉन्टेक्ट वेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी अटेन्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। मैंने आपसे बोला था कि नहीं, जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है उससे क्या है कि भाई जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल हमारा करेंट या वोल्टेज अगर उस क्वांटिटी को अटेंड कर लेता है, अटेंड करना में उस क्वांटिटी तक पहुंच जाता है उसमें। ठीक है ना, हमने 20 एम्पीयर की सेटिंग की, 20 एम्पीयर के अनुसार सेटिंग की और पता चला उतना करंट फ्लो हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है सर्किट रिले, लेकिन उसको फॉल्ट नहीं मानेगा। लेकिन जैसे क्या है 25 अगर 20 एम्पीयर की हमने सेटिंग कर रखी है और 25 एम्पीयर के करस्पॉन्डिंग है ना उसमें फॉल्ट उसमें करंट फ्लो होने लगा रिले में, तो रिले क्या समझ लेगा कि फॉल्ट हो गया है, तभी तो इतना करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से क्या है उसको फॉल्ट मान करके वो क्या करता है सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर देखिए क्या जो ऑप्शन बी है वो क्या है कि क्लोज द कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी अटेन्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है ना, तो ये बात तो सही है भाई, जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है उससे उसको जब अटेन कर लेता है एक्चुएटिंग क्वांटिटी, तो रिले क्या कर जाता है आपका काम कर देता है। तो काम करने में क्या होता है कि रिले के अंदर क्या है कि आपका एक एनर्जी सर्किट होता है। ठीक है ना, एनर्जी सर्किट होता है वो सर्किट ही जब ऑन होता है क्या कि जब रिले के अंदर अगर प्रीसेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो जो आपकी एनर्जाइजिंग सर्किट होती है रिले के अंदर वो सर्किट काम करने लगती है, और वही सर्किट क्या करती है सर्किट ब्रेकर को ओपन करती है। ठीक है ना, तो रिले तो भाई जो सिस्टम है सिस्टम के फॉल्ट के सिस्टम के करंट को तो हरदम वॉच में है, रिले के वॉच में रिले के देखरेख में, रिले तो हर करंट को देख रहा है। लेकिन बात कहां पर रिले उसको सीरियसली ले लेता है जब क्या है कि प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तो रिले क्या करता है उसको मानता है कि फॉल्ट है, और जब फॉल्ट मानता है तो फिर क्या होता है रिले के अंदर जो सर्किट होता है वो सर्किट क्या होता है आपका एक्चुएट हो जाता है एक्टिव हो जाता है, जब एक्टिव हो जाता है तो फिर क्या करता है सर्किट ब्रेकर को वो आपका सिग्नल एनर्जी दे देता है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर क्या करता है आपका हेल्दी सेक्शन को फॉल्टी सेक्शन से अलग कर देता है। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर ये ट्रू है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। वकोल जी रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये बहुत ही जैसे कोई गेस करते हैं ना कि ये क्वेश्चन माने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो वकोल जी रिले जो है ना आपका बहुत ही फेमस रिले है ना, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको याद कर लीजिए है ना, इसका सब जगह इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही स्पेसिफिक इस्तेमाल है कहां पर ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए। अब चलिए इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यह वकोल जी रिले इज कहां पर लोकेटेड होता है, ये क्वेश्चन है कहां पर लोकेटेड होता है, मीन्स उसको हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर के किस पोर्शन पर उसको हम लोकेट करते हैं स्थापित करते हैं सुरक्षा के उद्देश्य से। यहां पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला है, आप इसको याद कर लीजिए। जो ऑप्शन सी यहां पर है वो ट्रू है, और ऑप्शन सी आपका क्या है कि कनेक्टेड इन द पाइप कनेक्टिंग मेन टैंक, जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक और जो कंजर्वेटर होता है ना उन दोनों के बीच, उन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला पाइप होता है ना उसी पर उसको क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपको याद कर लीजिए जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और जो कंजर्वेटर है, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं आपको आई होप पहले से पता होगा। ठीक है ना, इनके इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा,
मैं इस सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा बेटा, है ना। तो जो जो ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक और जो मेन टैंक और जो कंजर्वेटर होता है ना, उसके बीच में जो पाइप होता है ना, वहीं पर उसको इंस्टॉल करते हैं। ये एक फैक्ट है, हमें इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बकोज रिलेज आर यूज्ड ऑन, ठीक है। तो देखिए आपका एयर कूल, आपका पहला क्वेश्चन है एयर कूल्ड ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। ऑयल इमर्ज्ड है ना, आप ऑयल इमर्ज्ड पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। बड़े जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं 500 केवीए राउंड के, है ना, जिसको हम बोलते हैं पीटीआर पावर ट्रांसफॉर्मर, ऑयल इमर्ज्ड, यहां पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, किसका, बकोज रिले का, ठीक है। ये भी आपका एक फैक्ट है जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज आर ओवरलोड रिले, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज आर ओवरलोड रिले। तो देखिए यहां पर ओवरलोड रिले कहना, ठीक है ना, या ओवर करंट रिले कहना, ठीक। जैसे मैं अगर रिले के टाइप की बात करूं, इंस्टॉल्ट आपको थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए मैं यहां पर, तो देखिए हम मेनली क्या है, 5 प्रकार के रिले की चर्चा करते हैं। एक तो क्या, देखिए आपका ओवर करंट रिले, ये आपका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार जो बेटा हमारा रिले का है, उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, ठीक है ना। तीसरा जो रिले है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस रिले, डिस्टेंस रिले। फोर्थ जो रिले है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले। और पांचवा जो रिले है जो आपके दिमाग में रखना चाहिए, है ना, उसको हम बोलते हैं पायलट रिले, ठीक है ना। तो पहला क्या ओवर करंट रिले, दूसरा क्या है डायरेक्शनल रिले, तीसरा क्या है डिस्टेंस रिले, चौथा क्या है डिफरेंशियल रिले, पांचवा क्या है पायलट रिले। सभी रिले के अपने अपने कुछ खासियत हैं, कुछ कमियां हैं, है ना, और खास यूज भी है। जैसे कि देखिए आपका जो मैं डिस्टेंस रिले की अगर मैं बात करूं, तो मेनली इसका इस्तेमाल जो है ना ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में किया जाता है। जो डिफरेंशियल रिले है इसका जो है इस्तेमाल आपसे बता रहा हूं कि भाई जो फीडर है, फीडर के प्रोटेक्शन में भी किया जा सकता है। मीन्स बहुत लंबा चौड़ा अगर एक्सटेंडेड कोई सिस्टम है तो उसके प्रोटेक्शन हम करने में परेशानी आएगी, लेकिन फीडर उतना लंबा चौड़ा भाई होता है, लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन जैसा तो नहीं होता, तो फीडर को हम प्रोटेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। या फिर आपका क्या है कि जो अल्टरनेटर है या फिर ट्रांसफॉर्मर है, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि हम आपका डिफरेंशियल रिले। ये जो डायरेक्शनल रिले है, डायरेक्शनल रिले की खासियत यह है कि आपका क्या करते हैं, फेज जो होता है ना, दो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज है ना बेटा, इसके फेज पर ये क्या है कि उसको डिटेक्ट करता है कि अगर हम मान के हमने सेट कर दिया कि नहीं इस फेज से ज्यादा अगर फेज हो जाएगा, तो फिर एक रिले क्या मान लेगा, वोल्टेज करंट के बीच में इतना फेज अगर है 45 डिग्री या 60 डिग्री फॉर एग्जांपल, इतना फेज तक अगर है इट्स ओके, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, पता चला कि नहीं 80 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, तो अगर हमने 60 डिग्री को प्री सेटेड वैल्यू मान रखा है, तो 80 डिग्री को क्या मानेगा ये कि फॉल्ट का केस। इस तरह से क्या है, डायरेक्शन के आधार पर काम करता है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्शन रिले। तो ये 5 प्रकार के जो रिले है ना, इसको थोड़ा दिमाग में रख लेने से क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना उसको याद करने में थोड़ी सी सुविधा होगी, इसलिए मैंने 5 के नाम लिख दिए हैं। तो हम 5 को क्या है कि आप अपने दिमाग में रखिए। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आ जाती है कि जो 5 के नाम हमने यहां पर चर्चा किए ना बेटा, ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले और पायलट रिले, ये क्या है कि जो इनके कार्य सिद्धांत है, है ना, वर्किंग है ना, उनके आधार पर इनका नाम है। अब क्या है कि अगर मैं इनके मैन्युफैक्चरिंग जो रिले है, रिलो के मैन्युफैक्चरिंग वो बनते कैसे हैं, उसके आधार पर अगर बात किया जाए, तो देखिए इस क्वेश्चन के जो हमारे 7वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, क्या लिखा है, थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इंडक्शन रिले, सॉलिड स्टेट रिले। ये जो आपके जो नाम दिए गए हैं ना रिलेज के बेटा, ये क्या आपके मालूम मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर नाम दिए गए हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का रिले जो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर जो नाम है, इसमें से किसी प्रकार का रिले हम किसी प्रकार का क्या है कि इधर से रिले बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, मींस ओवर करंट रिले जो है ना आपका थर्मल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, इंडक्शन भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि तो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर है आपका रिले का प्रकार, और ये क्या आपका ऑपरेशन के आधार पर है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवर्स टाइम करंट रिलेज आर यूज्ड फॉर, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इनवर्स टाइम करंट रिलेज आर यूज्ड फॉर। ये क्या ओवर करंट रिले आपके, इनवर्स टाइम है ना, ओवर करंट रिलेज है, इनको कहां किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए फीडर है ना, ऑप्शन ए क्या है, फीडर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, अल्टरनेटर्स, बोथ ए एंड बी, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर ट्रू है। ऐसे जो इनवर्स टाइम ओवर करंट रिलेज है, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल फीडर के प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है।
ओके बेटा, इसको आप याद करके रखिए। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईडीएमटी, आईडीएमटी कंफ्यूज नहीं होना, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, इनवर्स इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेट, डेफिनेट सॉरी डेफिनेट इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम और ये क्या आपका टाइम। आप मेरे से सुन रहे होंगे ना, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अगर यहां पर बहुत क्या है कि अगर जो मैंने लिखा अगर पढ़ने में आपको आपको नहीं भी आ रहा है तो आप मेरे से सुनते हुए अगर पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये सब इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, ठीक है ना। तो देखिए इसका इस्तेमाल लिखा गया, आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल फॉल्ट या फिर ओवरलोड के अगेंस्ट या फिर इंटरनल फॉल्ट, यानी मतलब क्या है कि एक्सटर्नल कोई फॉल्ट आएगा ना, ट्रांसफार्मर के बाहर फॉल्ट आएगा ना, उसको पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसफार्मर में पता हमने क्या है कि सेट कर रखी कि नहीं, इतना तक तो भाई आपका चलिए लोड माना जाएगा कि ठीक है, इससे ज्यादा अगर लोड हो जाता है तो उसको भी हमें डिटेक्ट करना है, क्या उसके लिए भी हम करते हैं, या फिर इंटरनल शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं, तो इसमें से कौन कौन ट्रू है आपका, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू है, क्या है, ए एंड बी, ओवरलोड और एक्सटर्नल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आईडीएमटी का, ठीक है ना। आईडीएमटी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ओवरलोड के लिए और एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल जो है ना आपका, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था, जो आपका डिफरेंशियल रिले है इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल रिले है ना, जो आपका जिसको हमने चौथे स्थान पर आपको आप याद हो तो देखिए हमने चौथे स्थान पर क्या है कि बेटा नाम रखा था डिफरेंशियल रिले, तो ऑप्शन डी क्या हमारे यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपीडेंस रिले है ना, एक और चीज थोड़ी सी आप यहाँ पर देख लीजिए बेटा, हमने जो बोला था ना थर्ड टाइप आपको बोला था, पहला टाइप क्या बोला था, ओवर करंट रिले, दूसरा क्या बोला था आपको, डायरेक्शनल, तीसरा क्या बोला था, डिस्टेंस, चौथा क्या बोला था, डिफरेंशियल, पांचवा क्या बोला था, पायलट, है ना। तो जो आपका तीसरा मैंने बोला था डिस्टेंस रिले, उसको हम क्या है कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के रिले में हम डिवाइड करते हैं, पहला क्या आपका इंपीडेंस रिले ना, थोड़ी सी हम पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको याद कम याद करना पड़े, है ना, क्योंकि इस पोर्शन में आपसे बता रहा हूँ बहुत ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या है कि आपसे बता रहा हूँ इस जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ इसमें कवर नहीं किया जा सकता, आप जरूर इन सबको देखिए, लेकिन अगर हो सके है ना, अगर आप रीडी सीखना चाहते हैं ठीक है, तो आप क्या है कि कई अदर सोर्सेज से भी है ना, जो कि कोई अच्छे बुक होते हैं एसएससी जी लेवल के बुक है ना, उसी लेवल के तो ऑब्जेक्टिव आपके डिप्लोमा में पूछे जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले तो आप इसको देख लीजिए, कम से कम इतना तो हो जाए, ऐसा ना कि दूसरे सोर्स के चक्कर में ये भी ना हो, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि इसका डिस्टेंस रिले का, यानी किसकी बात कर रहे हैं भाई, मैं इसका भी नाम यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस रिले क्या है, पहला इसका टाइप है इंपीडेंस रिले, दूसरा टाइप इसका जो है ना उसको बोलते हैं रिएक्टेंस रिले, और तीसरा जो टाइप है आपका उसको हम बोलते हैं मोह रिले। ओके बेटा, ये तीन टाइप इसके डिस्टेंस रिले के तीन टाइप है। अब देखिए ये जो आपका इंपीडेंस रिले है ना, इससे क्या है कि मीडियम टी लाइन जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इससे क्या है कि मालूम है बेटा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करता है, ये थोड़ा याद कर लीजिए है ना। और जो मोह रिले है इससे हम क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या था, इंपीडेंस रिले में यूज, इंपीडेंस रिले में यूज, दसवां नंबर जो क्वेश्चन, इंपीडेंस रिले में यूज बैलेंस बीम स्ट्रक्चर, इंडक्शन कप स्ट्रक्चर और शेडेड पोल स्ट्रक्चर, आइदर ए और बी। देखिए ये जो बातें आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ना, ये ऑप्शन भी क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग पे चर्चा की जा रही है, तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए और बी सही है। ये सब थोड़ी फैक्चुअल चीज बातें हैं, दो तीन बार वीडियो में अगर आप केयरफुली दो तीन बार अगर सुन लेंगे पेन और कॉपी लेकर के, है ना, तो जरूर आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएंगे और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होकर के लिखेंगे, ठीक है बेटा। और हम तो ऐसे ही किया करते थे, पढ़ाई करते थे, तो जब कोई सोर्स में पता चलता था तो हम इतने हमें उत्साहित रहते थे एग्जाम को लेकर के, है ना, अपने स्टूडेंट लाइफ में हम इतने उत्साहित रहते थे कि हम दो तीन बार उसको कर लेते थे कि कम से कम इतना तो हो जाए, फिर इसके बाद हम दूसरा देखें, ऐसा नहीं दूसरा देखने चक्कर में भी ना हो। तो जैसे ही कोई अच्छा सोर्स हमें पता चलता था अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का, जहां से हमें लगता था कि यहां से हम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसको तो हम दो तीन चार बार कर लिया करते थे, है ना बेटा। तो देखिए यहां पर मेरा रिकमेंडेशन है, आप इसको करेंगे दो तीन बार वीडियो देखिए, जरूर आपको क्या है कि अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कम से कम आपको एक अच्छी ओवरव्यू आ जाएगी। फिर उससे क्या है कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना बेटा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा कि इनकेस अगर आपको थोड़ी सी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो कम से कम दिमाग काम करेगा कि नहीं कहां सर्च करूं, क्या सर्च करूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब तो आप करेंगे ही, उसमें
कौन सी आश्चर्य की बात है, ठीक है ना बेटा। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन, क्या इंपीडेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, इंपीडेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर। अब देखिए एक और बात है, फेज फॉल्ट जो है ना, फेज के अंदर फॉल्ट है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, फेज फॉल्ट, फेज फॉल्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जो रिएक्टेंस रिले है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और अर्थ फॉल्ट। कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है इंपीडेंस लाइन के बारे में, इंपीडेंस रिले के बारे में दो बातें याद करना है कि फेज फॉल्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अर्थ फॉल्ट, और जो मोर रिले है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और साथ ही साथ क्या होता है आपका ये मालूम है डायरेक्शनल रिले होता है, इनहेरेंट डायरेक्शनल, मींस क्या है कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डालना नहीं पड़ता, ये होता ही है डायरेक्शनल, है ना, इसमें डालना नहीं पड़ता, ये डायरेक्शनल होता ही है। तो हमारे जो तीनों रिले हैं इंपीडेंस डिस्टेंस रिले के जो तीन प्रकार हैं, इंपीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और मोह रिले, तो हमने इंपीडेंस रिले के बारे में दो बात आपको बताई, फॉल्ट फेज फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्टेंस रिले शॉर्ट आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ जो अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट करने का मतलब क्या है कि अगर फॉल्ट ऐसा है कि नहीं फेज जो है ना अर्थ से चिपक जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्राउंड के संपर्क में आ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थ फॉल्ट बोलेंगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो मोह रिले है इसके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ ये डायरेक्शनल रिले है, ठीक है ना, ये इतनी बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए। तो चलिए हमारा जो 11th नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है आपका, बाय फेज फॉल्ट्स ओनली, है ना, इंपीडेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर फेज फॉल्ट्स ओनली, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक और बात, यहां पर इंपीडेंस रिले के बारे में लिख रहे हैं हम, एन इंपीडेंस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। तो देखिए आपको बता रहा हूं कि जो आपका इंपीडेंस रिले है और रिएक्टेंस रिले, ये दोनों जो रिले हैं, और तीसरा कौन सा आपका, मोह रिले, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एन इंपीडेंस रिले, ध्यान से सुनिएगा, दो तीन क्वेश्चन हमने बहुत ढंग से अरेंज कर रखे हैं ताकि आपको कुछ बातें पता चल जाए। एन इंपीडेंस रिले इज, 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, और रिएक्टेंस रिले इज, यहां पर रिएक्टेंस रिले की बात कर रहे हैं, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, और मोह रिले इज, ठीक है। तो यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी जो है ना तीनों रिले के उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमने क्या है आपका, जो मैं आपको तीनों क्वेश्चन करने के पहले एक बात बता दूं कि इंपीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, ये दोनों ही क्या आपके ओवर करंट रिले, क्या आपके ओवर करंट रिले, और ये क्या आपका ओवर करंट रिले, है ना, और ये क्या आपका डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले, ये आपको याद रखना है, ये दोनों क्या ओवर करंट रिले, ये क्या आपके डायरेक्शनल रिले, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एन इंपीडेंस रिले इज, सब बात थोड़ी कंफ्यूजन, लेकिन आप क्या है कि कॉपी पर लिख करके जब खुद से एक बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, एन इंपीडेंस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ठीक है ना, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शन रिले तो ये होता ही नहीं है, काट दीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर वोल्टेज रिले, नहीं, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, तो देखो ओवर करंट रिले यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई हमें देखना है। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि जो आपका इंपीडेंस रिले होता है ना वो वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले होता है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले होता है, याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, यहां तक पॉलिटिकल लेवल से ऊंची बातें हैं, ठीक है ना। हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्ट लेवल पर, या दो नंबर के या चार नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी चर्चा यहां पर हो रही है। क्या वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले है, ये तो बात आपको याद रखना है। इंपीडेंस के साथ क्या बोल देना है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, और रिएक्टेंस के साथ क्या बोलना है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। सब मैं दोनों क्या आपको ओवर करंट रिले है, वोल्टेज इंपीडेंस के साथ क्या बोलना है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, और रिएक्टेंस के क्या बोलना है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन ए जो है ना इसके लिए ट्रू है, किसके लिए, इंपीडेंस के लिए, इंपीडेंस रिले के लिए, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले है आपका, ठीक है ना, क्या वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, है ना, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, दो तीन बार में बोला ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, वहीं अगर मैं रिएक्टेंस रिले की बात करूं तो रिएक्टेंस रिले क्या है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, देखिए आपको यहां लिखा गया डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ठीक है ना, है क्या ओवर करंट रिले, कैसा है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड है, और आपका इंपीडेंस क्या है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें मोह रिले पे, मोह रिले के रिले कैसा आपका डायरेक्शनल रिले, है ना, डायरेक्शनल रिले, और कैसा, तो वोल्टेज रिस्ट्रेंड, कैसा है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूं आपको इंपीडेंस रिले
इम्पीडेंस रिले, ये कैसा है बेटा इम्पीडेंस रिले? इम्पीडेंस रिले है, आपसे बता रहा हूं, वोल्टेज रेजिस्टेंट, सॉरी वोल्टेज रेजिस्टेंट ओवर करंट रिले। रिएक्टेंस रिले कैसा है? ये क्या आपका डायरेक्शनल रेजिस्टेंट ओवर करंट रिले? ओवर करंट रिले ही है ना, ये दोनों तो ओवर करंट रिले होते हैं, ठीक है। मोर रिले कैसा है बेटा? ये क्या आपका वोल्टेज रेजिस्टेंट और डायरेक्शनल रिले। आपको भाई थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन कम से कम ये तीनों शब्द जो है, दो तीन शब्द जो आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंट और ये रिले, ये जरूर आपको सुनते सुनते थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया होगा। थोड़ी सी क्या है, इस बात को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके अच्छा समझ लीजिए, ये तीन बातें आपको याद कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन इसी से आ जाए, और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो जरूर दो नंबर या चार नंबर में आएगा, ठीक है ना। कि थोड़ा सा इसमें क्या है कि बस फैक्ट की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी समझ की भी आवश्यकता है ना, इसलिए क्वेश्चन में जो तीनों क्वेश्चन है हमारे 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर, इसको लेकर के थोड़ी सी आप केयरफुल रहिए। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है? रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल जो है ना शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ फॉल्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया अर्थ फॉल्ट, आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एडमिटेंस रिले इज डायरेक्शनल रिले होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपका क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्शनल रिले, और क्या बोलेंगे इसको, वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले, ठीक है ना। ये बातें हमने की किसके बारे में, मोहर रिले के बारे, रिले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर ग्राउंड फॉल्ट वी प्रीफर, फिर से वही बात, ग्राउंड फॉल्ट मींस अर्थ फॉल्ट, इसके लिए कौन सी, रिएक्टेंस रिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 18, मोहर रिले इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मोहर रिले, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मिड इंपीडेंस रिले, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, रिएक्टेंस रिले, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 19th में क्वेश्चन हमारा यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिर आगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कौन सा रिले में होता है, मोहर रिले में होता है, ये बात आप याद कर ही लीजिए। फिर आ जाती है कौन सी, देखिए अब आ जाता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में, है ना। हमने क्या है कि अभी तक डिस्टेंस की दो चार क्वेश्चन में डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना, मोर आपके रिले, मोर रिले या फिर आपका इंपीडेंस रिले, ये रिएक्टेंस रिले, ये सभी क्या आपके डिस्टेंस प्रोटेक्शन के ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या जाता है भाई, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लिखा गया, डिफरेंशियल रिलेज आर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, तो देखिए यहाँ पर क्या तीनों ही, फीडर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, यह लंबे लंबे ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन हम इसे नहीं कर सकते हैं। क्या है कि जो बहुत ही एक्सपेंडेड आपके जो पावर सिस्टम के पोर्शन है उसका प्रोटेक्शन हम डिफरेंशियल रिले से नहीं कर सकते, अदरवाइज फीडर प्रोटेक्शन और फिर क्या आपका अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन हम इससे करते हैं, ठीक है। अब इससे करते कैसे हैं, इस पर हो सकता है क्वेश्चन एक दो इस आपका क्या है कि पार्ट मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड्स टू जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड्स मीन किसके, है ना, रिस्पॉन्ड्स टू का यहाँ पर मतलब क्या होता है इंग्लिश में बेटा, है ना बेटा, इसका हिंदी में अगर लिया जाए तो डिफरेंशियल रिले कौन सी ऐसी बात होती है जिसका जिसके बदले में कुछ ना कुछ एक्शन वो देता है। रिस्पॉन्ड्स टू का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन कार्य करने लगता है, ठीक है ना, डिफरेंशियल रिले। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन पहला क्या है, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए इस ऑप्शन को, ये करता काम कैसे करता है, आपका जो डिफरेंशियल रिले एक्चुअली करता है क्या, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, है ना बेटा, ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी और ये क्या है सेकेंडरी। हम क्या करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का, एक सिटी यहां लगाते हैं, एक सिटी यहां लगाते हैं, फिर क्या करते हैं ऐसा कुछ कनेक्शन करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, ऐसा कुछ कनेक्शन करते हैं, यहां पर क्या है कि रिले लगा होता है, ये क्या आपका रिले है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। अब क्या देखिए आपका ऐसे करंट यहां फ्लो रहा है भाई ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी से होकर के सेकेंडरी में जा रहा है, अगर क्या है कि आपका यहां पर फॉल्ट नहीं हुआ, ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट नहीं हुआ, तो होता क्या है कि हमने भाई नॉर्मल कंडीशन है, फॉल्टिंग वाइज का मतलब नॉर्मल कंडीशन है, तो हमें तो पता है कि भाई यहां प्राइमरी में करंट होगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, ठीक है भाई नॉर्मल कंडीशन का तो पता होता है हमें, है ना, कि भाई प्राइमरी में करंट अगर इतना है तो सेकेंडरी में क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इस रिले की सेटिंग कुछ इस प्रकार रखते हैं कि ये जो रिले का ये जो क्वाइल है ना, इस क्वाइल में अगर नॉर्मल कंडीशन है तो यहां और यहां का करंट पता है हमें, है ना, और यहां और यहां का जो नॉर्मल कंडीशन में करंट पता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर करंट क्या फ्लो हो, जीरो करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो, जीरो करंट फ्लो हो,
और पता मान के चलिए आपका क्या हुआ कि यहां पर एक फॉल्ट हो गया। इस फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फॉल्ट। क्यों बोलते हैं इंटरनल फॉल्ट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर का फॉल्ट हुआ, ये इधर बाहर का फॉल्ट नहीं है, इधर बाहर का प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड का फॉल्ट नहीं, अंदर फॉल्ट हुआ। इस फॉल्ट का परिणाम क्या होगा कि यहां से जो करंट फ्लो होगा ना, वो करंट अंदर यहां पर जाएगा तो सही ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया तो कुछ करंट लीक आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो करंट सेकेंडरी में, जो हेल्दी कंडीशन में जब आपका सिस्टम हेल्दी था, ट्रांसफॉर्मर हेल्दी था, उस परिस्थिति में प्राइमरी के करस्पॉन्डिंग, प्राइमरी के संगत सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा था ना, उतना करंट फॉल्ट के कंडीशन में नहीं होगा अगर इंटरनल फॉल्ट होता है। समझ के लिए यहां पर क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी में कुछ ऐसा है कि यहां पर जब आपका क्या है कि 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, कितना 20 एम्पियर पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ऐसा स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है आपका, है ना। 20 एम्पियर को क्या करता था, ये 5 एम्पियर में बदलता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या है कि देखा यहां पर, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देख लीजिए 25 एम्पियर को क्या करेगा, ये 25/4 गुना कम कर देता है, 20 को 5 कर देता है, तो 25 को क्या करेगा, 25/4 एम्पियर में बदल देगा। लेकिन अगर अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब क्या बोल, हम समझेंगे कि नहीं हेल्दी कंडीशन है, और इसको क्या करेगा कि ये डिटेक्ट करेगा कि नहीं यहां पर कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो रिले का आपका कॉइल है। लेकिन जैसे ही मान के चलिए आपका क्या हुआ, हमने 20 एम्पियर करंट यहां सप्लाई तो किया, लेकिन यहां पर 5 एम्पियर नहीं आया, कितना आया 4.5 एम्पियर, कितना आ गया 4.5 एम्पियर, इसका मतलब आधा एम्पियर करंट कहने के लिए लीक हुआ, तभी तो इधर कम हुआ। इसको क्या करेगा, यहां पर ये डिटेक्ट कर लेगा। ये कैसे डिटेक्ट करता है, तो यहां से जो करंट गया, वो यहां से जो करंट फ्लो रहा है प्राइमरी से, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग सिटी में करंट फ्लो होता है। ये सिटी आपका 1 है यहां पर, और ये सिटी आपका 2 है, किसका, रिले का, है ना। और जो बाहर करंट आपका सेकेंडरी में करंट फ्लो हो रहा है, किसका, ट्रांसफॉर्मर का, उसके करस्पॉन्डिंग सिटी 2 में करंट फ्लो होता है। दोनों ही करंट आपके इधर आते हैं, है ना, दोनों करंट इधर आते हैं, दोनों करंट का डिफरेंस यहां पर क्या है कि हरदम ये मेजर करते रहता है। हेल्दी कंडीशन में यहां पर डिफरेंस 0 रहता है, और एबनॉर्मल कंडीशन में यहां पर डिफरेंस क्या हो जाता है, नॉन जीरो, जीरो नहीं होता है। और जब जीरो नहीं होता है तो समझ जाता है कि फॉल्ट हुआ है, तभी तो क्या है करंट का, करंट का यहां पर कोई ना कोई डिफरेंस है। एक तरह से देखा जाता है जो आपका जो रिले है, डिफरेंस रिले, ये क्या करता है, एक ही क्वांटिटी करने का मतलब क्या है कि दोनों साइड करंट को ही कहीं डिफरेंस को दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ किधर के करंट इधर के वोल्टेज के डिफरेंस को दिख रहा है, ऐसा नहीं, इधर के करंट और इधर के करंट, है ना, दोनों करंट के डिफरेंस को हरदम क्या करता है यहां पर ये मेजर करते रहता है। जहां जैसे ही ये डिफरेंस एक प्रीसेटेड वैल्यू से ज्यादा हुआ, तो समझ जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं बीच में फॉल्ट हुआ था, तभी तो ये प्रीसेटेड वैल्यू से ज्यादा हो गया। और जब फॉल्ट ये समझ जाता है तो क्या करता है, ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, और आपका क्या है कि ट्रांसफॉर्मर जो है ना आपका, इधर जो आपके ब्रेकर लगे हैं, ब्रेकर काम करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि आपका जो पूरा पावर सिस्टम है उससे अलग हो जाता है, फिर वो मेंटेनेंस में चला जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए यहां पर, और ऐसा नहीं कि करंट को ही कहीं डिफरेंस को मेजर कर सकता है, ये वोल्टेज के डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, लेकिन जब भी करेगा तो दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस मेजर करेगा, या फिर जो करंट के, दो करंट के बीच का डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर क्या देखिए, यहां पर जो ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए क्या है, अल्जेब्रिक डिफरेंस, मीन्स आपका क्या है कि अल्जेब्रिक मीन्स क्या है कि सिंपल आपका डिफरेंस I1 - I2 या फिर V1 - V2, है ना, डिफरेंस ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सिमिलर मीन्स या तो दोनों करंट हो या दोनों वोल्टेज हो, क्या इस आधार पर वो काम करता है, या फिर फेज डिफरेंस, नहीं फेज डिफरेंस तो काम करता ही नहीं है। अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू करंट्स, ठीक है ना, और अल्जेब्रिक बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस, तो देखिए ये ऑप्शन भी आपके सही है, ऑप्शन सी एंड डी सही है, ऑप्शन सी और डी गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सी को लगा देता हूं, अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू करंट, इसका मतलब मालूम क्या हो जाता है कि सिर्फ ये जो आपका रिले है ना, करंट दो करंट के बीच के डिफरेंस पे ही काम करता है, बट ऐसा तो है नहीं भाई, वोल्टेज के डिफरेंस पे भी तो काम करता है कि नहीं, है ना। तो सी लगाएंगे तो डी गलत हो जाएगा, डी लगाएंगे तो सी गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए दोनों को ऑप्शन को गलत करके यहां पर क्या लिख रहा है, लिखा गया है कि अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, या तो दो करंट या दो वोल्टेज, तो ये जो ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल रिलेज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिए, इंटरनल फॉल्ट, अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल फॉल्ट के लिए। रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन, फीडर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले यूज होता है आपका, याद कर लीजिए, ट्रांसले, ट्रांसले कौन सा होता है, ट्रांसले, ठीक है ना, कौन सा रिले होता है, ट्रांसले, ठीक है। तीन चार बार नाम इसलिए बोला ताकि आपको सुनाई अच्छा सा पड़ जाए और आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्या आपका देखिए, जीरो सिक्वेंस करंट, जीरो सिक्वेंस करंट मैंने आपको पहले ही बताया था, आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3 में, कि जब क्या है कि आपका जो फॉल्ट है ना, फॉल्ट जब ग्राउंड को इन्वॉल्व होता है, जब ग्राउंड अर्थ फॉल्ट होता है, मैंने जो फॉल्ट अगर हो रहा है तो लाइन टूट करके ग्राउंड कहीं ना कहीं ग्राउंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अर्थ का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तभी क्या आपका जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि जीरो सीक्वेंस करंट इज यूज्ड फॉर रिलेइंग पर्पस ओनली इन केस ऑफ, देखिए, ग्राउंड फॉल्ट, है ना, क्योंकि ये करंट जो है ना वो ग्राउंड फॉल्ट में फ्लो होता ही है ना। आपने
पार्ट टू में हमने इसकी चर्चा की थी फॉल्ट की, उसमें ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसी जो हमने पीएसओपी एमसीक्यू के बहुत सारे जो पार्ट बना रहे हैं ना, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, है ना। पार्ट सिक्स जो है एक दो दिन में बनाऊंगा मैं आपको, हो सकता है कल ही मैं आपको बना के दूं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका, तो उसमें पार्ट टू जो आप देखेंगे ना, वहां पर थोड़ा फॉल्ट के बारे में हमने चर्चा किया है, अपने कम समय में जितना हो सकता है उतना चर्चा किया है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जीरो सिक्वेंस करंट जो है ना कहाँ फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट इन्वॉल्व है तभी फ्लो होता है, अदरवाइज फ्लो होता ही नहीं है। तो क्या ग्राउंड फॉल्ट को मेजर करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर जीरो सिक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ग्राउंड फॉल्ट है, नहीं फ्लो हो रहा है इसका मतलब ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लिखी गई कि जीरो सिक्वेंस करंट इज यूज फॉर रिलेइंग पर्पज। किसके लिए भाई, आसान सी बात है भाई, सब जगह तो फ्लो होता ही नहीं है। कब फ्लो होता है, जब ग्राउंड फॉल्ट हुआ। इसका मतलब रिले को अगर ये पता चल जाए कि जीरो सिक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है, रिले को पता नहीं कर लेगा क्या भाई? अगर जीरो सिक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है, रिले को ये पता चल जाए, रिले इसको अगर डिटेक्ट कर ले तो क्या समझेगा रिले? रिले समझेगा, रिले ये समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, तभी तो ये फ्लो हो रहा है, तो डिटेक्ट कर लेगा उसको, ठीक है ना बेटा। तो देखिए आपका जो जीरो सिक्वेंस करंट जो होता है ना, इसका इस्तेमाल जो है ना ग्राउंड फॉल्ट के डिटेक्शन में है ना रिले करता है, ठीक है। आपका देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि आपको फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, मर्ज प्राइस है ना, ये भी वकॉज रिले, मर्ज प्राइस, ये सब क्या है कि बहुत संभावित क्वेश्चन है आपके, पूछे जा सकते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज इंप्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, यहां पर किसके लिए, अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, किसके लिए? यहां पर ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है ना, ये ट्रू है, लेकिन आपको ये दोनों लगाना है ताकि आपका ये कवर हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं है ना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझ आ गया बेटा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का जो स्टेटर वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, अल्टरनेटर का जो स्टेटर वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट इन्वॉल्विंग ग्राउंड, द रिले यूज्ड, कौन सी रिले का इस्तेमाल करते थे यहाँ पर? तो देखिए आपका अगर ग्राउंड फॉल्ट है, इंटरनल फॉल्ट लिखा ना, इंटरनल फॉल्ट इन्वॉल्विंग ग्राउंड, ठीक है ना, इंटरनल फॉल्ट इन्वॉल्विंग ग्राउंड, इंटरनल फॉल्ट के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था कौन सा डिफरेंशियल रिले, तो डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है यहाँ पर। अब ग्राउंड इन्वॉल्व है तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिले में ही क्या एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बायस्ड डिफरेंशियल रिले, ठीक है ना। बार बार मैंने इसलिए बोला था कि आप हो सकता है पहली बार अपने जीवन में इस बात को सुन रहे हो तो आपको याद हो जाए बायस्ड डिफरेंशियल रिले। इसकी हिंदी फिलहाल मुझे पता नहीं है, आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा इंग्लिश देख लें उससे, वहां पर आपको हो सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर बायस्ड लिखा हो तो आप वहां पर बात मेरी बात अगर इस शब्द को सुन रहे हैं तो आपका दिमाग वहां पर काम करेगा। बायस्ड डिफरेंशियल कहां पर, हम क्या है कि अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में इंटरनल फॉल्ट अगर ग्राउंड को इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं, हम बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फील्ड फेलियर, ठीक है ना, इन एन अल्टरनेटर अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है फील्ड फेलियर, अकर्स क्यों होता है इसके बारे में, फेलियर ऑफ एक्साइटर, एक्साइटर फेल हो जाता है, या फिर फॉल्टी फील्ड सर्किट ब्रेकर्स, है ना, जो फॉल्टी फील्ड सर्किट ब्रेकर ये कारण है, इन रश ऑफ लार्ज करंट्स, इन रश ऑफ लार्ज करंट्स। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए और बी सही है, देखिए कि ये जो है ना आपके इन रश ऑफ लार्ज करंट्स, ये क्या है कि फॉल्ट लाइक कंडीशंस हैं, दीज आर फॉल्ट लाइक कंडीशंस, है ना, फॉल्ट लाइक कंडीशंस बट नॉट फॉल्ट, समझ आ रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी पावर सिस्टम में जब स्विचिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं, मिस लोड को हमने शिफ्ट किया, कम किया, ज्यादा किया, ठीक है, ऑन किया, समझ आ रहा है कि नहीं। उस केस में क्या होता है कि शुरू शुरू में थोड़ा देर के लिए इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, धीरे धीरे मान लेता है कि फॉल्ट हो गया, बट वो फॉल्ट नहीं होता है ना बेटा, वो फॉल्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइक कंडीशन। तो ये जो आपका है ना, आपका जिसको बोलना है कि इन रश लार्ज करंट, मैग्नेटिक इन रश लार्ज करंट ट्रांसफॉर्मर में होता है ना, ट्रांसफॉर्मर अगर डिटेल से पढ़े तो उसमें इसकी चर्चा कर सकते हैं, मैग्नेटिक इन रश लार्ज करंट, ठीक है, यहाँ पर इन रश लार्ज करंट ये क्या, फॉल्ट लाइक कंडीशन, फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना, इसके प्रोटेक्शन के लिए है ना। ये क्या है कि आपका वहां पर डिफरेंशियल रिले ही लगता है, हार्मोनिक रेजिस्टेंट डिफरेंशियल रिले लगता है, डिटेल में अगर प्रोटेक्शन पढ़ा जाए तो वहां पर इसकी चर्चा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फील्ड फेलियर का कारण क्या क्या हो सकता है, तो आपको ऑप्शन ए और बी पे कंसंट्रेट करना है, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन अर्थ द अर्थ फॉल्ट इन स्टेटर कॉजेज, स्टेटर में अगर अर्थ फॉल्ट हो जाए तो क्या 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 कर सकता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, फॉल्ट के कारण ही, जो फॉल्ट हो जाना उसके कारण क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर यह पूछा नहीं जा रहा है कि भाई जो स्टेटर उसमें अर्थ फॉल्ट के क्या क्या कारण है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि अगर अर्थ फॉल्ट हो जाता है तो उससे क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना। आर्किंग टू कोर, ठीक है, आर्किंग टू कोर, ठीक, आर्किंग का मैंने कल ही जो आपका लास्ट पार्ट है वीडियो पार्ट फोर उसमें हमने चर्चा किया आर्किंग का मतलब क्या होता है, चिंगारी। आर्किंग टू कोर और सीवियर हीटिंग ऑन कंडक्टर्स एंड देयर बाई डैमेजिंग द इंसुलेशन ओपन सर्किट इन द स्टेटर, ये आपका ओपन सर्किट इन द स्टेटर गलत है। ओपन सर्किट की यहाँ पे बात ही कहां से आ रही है, ए और बी दोनों सही है तो इन दोनों को इंक्लूड करता है, ऑप्शन डी जो है ना इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर है ना पॉज करिए वीडियो को, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। द अर्थ फॉल्ट इन स्टेटर कॉजेज, जो स्टेटर है ना उसमें अर्थ फॉल्ट जो है ना वो क्या करता है, तो उसके उसके चलते क्या हो जाता है आपका कोर आर्किंग, ठीक है ना, आर्किंग टू कोर और सीवियर हीटिंग, हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, कंडक्टर्स में, कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो होने लगेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि आपका आई इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, जल सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों को ही क्या करता है ये अपने अंदर रख रहा है, ठीक है ना, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 29th नंबर क्वेश्चन क्या, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सुन लेते हैं, ठीक है ना, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, मेरे ख्याल से एक या दो स्लाइड और बचा है, ठीक, दिख रहा है आपको एक दो स्लाइड और बचा है। फेलियर ऑफ इंसुलेशन ऑन स्टेटर वाइंडिंग फॉर जनरेटर रिजल्ट्स इन, इसका मतलब क्या है कि जो आपका जनरेटर है ना उसके स्टेटर वाइंडिंग के इंसुलेशन अगर फेल हो जाए तो उसका परिणाम क्या क्या होता है, उसका परिणाम जो होता है शॉर्ट सर्किट बिटवीन टर्न्स, ठीक है ना, याद रखिए क्योंकि सभी इसमें सही है, शॉर्ट सर्किट बिटवीन वन और मोर फेजेज, ठीक है ना भाई, क्या है किसी अल्टरनेट में क्या होता है बहुत फेज के बाइंडिंग होते हैं और एक ही फेज में बहुत सारे टर्न होते हैं, तो बहुत सारे टर्न में क्या हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि इंसुलेशन खराब हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो फेज में आपन में क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाए। तीसरी बात क्या लिखी गई, शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेजेज है ना, दूसरी बात क्या लिखी, शॉर्ट सर्किट बिटवीन वन और मोर फेज एंड अर्थ, और फेज से अर्थ की भी आपका क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसका नहीं मतलब क्या है कि अगर इंसुलेशन फेलियर हो जाए तो एक ही फेज के भाई टर्न जो आपस में टर्न है ना उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, दो फेज में आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर फेज का अर्थ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए इन तीनों ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी को हमें क्या करना है सिलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन ये है कि द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स दैट अकर इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स पे एक दो क्वेश्चन हमने लिया है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन कौन से टाइप के फॉल्ट, देखिए स्टेटर पे फॉल्ट, रोटर पे फॉल्ट, ओवरलोड फॉल्ट हो सकता है, अंडर वोल्टेज फॉल्ट हो सकता है, अनबैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज एंड रिवर्स और ओपन फेज स्टार्टिंग वोल्टेज, ये सब फॉल्ट यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो आप इसको याद करिए, ऑल द अबव आर ट्रू, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्या, मैं तो नहीं कह सकता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे जिसमें छह छह सात छह ऑप्शन होंगे, बट क्या है इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेने से आपके जो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार और देखते हैं, इसको देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स दैट अकर इन इलेक्ट्रिक फॉल्ट आर, किस किस प्रकार के फॉल्ट इलेक्ट्रिक मोटर में हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई स्टेटर के फॉल्ट हो सकता है, रोटर पे फॉल्ट हो सकता है, ओवरलोड फॉल्ट हो सकता है, अंडर वोल्टेज फॉल्ट भी हो सकता है, अनबैलेंस सप्लाई का फॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसका सप्लाई भाई सप्लाई से तो क्या करता है मोटर, क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इसका मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, उस सप्लाई जो है ना आपका क्या हो सकता है अनबैलेंस भी हो सकता है, इसके चलते भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या रिवर्स का मतलब क्या है कि भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि सप्लाई का अनबैलेंस होने के कारण है, ठीक है ना, या फिर सप्लाई का क्या आपका नेगेटिव सीक्वेंस होने के कारण, उसमें क्या है कि आपका जो मोटर की जो डायरेक्शन है नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उससे अपोजिट भी उससे विपरीत भी रोटेट कर सकता है, तो ये सभी प्रकार के फॉल्ट वहां पर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमने यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन एफ हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है। जो 31st क्वेश्चन है क्या, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज प्रोवाइडेड बाई, कैसे प्रोवाइड करते हैं अर्थ फॉल्ट, अगर इलेक्ट्रिक मोटर में अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट अगर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन बी एंड सी देखिए यहाँ पर याद करने वाले बात है, क्योंकि इतने डिटेल में हम इतने जल्दी नहीं जा सकते हैं, और इन क्वेश्चन को ये सब क्वेश्चन को सुनकर के आपको अगर लग रहा है कि अरे नहीं नहीं बहुत ही नई नई बातें हो रही हैं, है ना, तो बेटा क्या है कि आपसे बता रहा हूँ कि जो पेशेंस रखता है वही कुछ अच्छा कर पाता है, ठीक है ना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम आप सुन तो सकते हैं दो तीन बार, और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप उसको लिख लीजिए ना एक बार हाथ में, एक बार जब लिखेंगे ना अपने आप पेपर पर है ना पेन से बेटा एकाग्रता उसमें ज्यादा होती है, और लिखने से क्या है कि आपका जब मैटर हो जाता है आपके पास हो जाता है, एक दो बार भी देख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि एमसीक्यू का एक खासियत क्या है उसमें आपको कुछ नया नहीं लिखना होता है, जो ऑप्शन दिया गया है ना उसमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप लोगों को कई बार लगता है कि नहीं एमसीक्यू के भाई बहुत सारे नेगेटिविटी है ना
आपको लगते होंगे, जैसे कि नहीं उसमें क्या है कि हम कुछ भी नहीं लिख पाते, या फिर ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर जीरो मार्क्स मिलेंगे, ऐसे है ना कुछ नेगेटिविटी आपको दिखती होगी। जैसे उसकी खासियत जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि आपको कई बार क्या है कि कन्वेंशनल पेपर में ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्या करना है उसका आंसर खुद से जनरेट करके लिखना है, लेकिन एमसीक्यू मॉडल में क्या होता है जनरेट नहीं करना है, ऑलरेडी आंसर दिए गए हैं उसको सिलेक्ट करना है। इस स्थिति में क्या होता है कि जिस बच्चे ने कम से कम ध्यान से सुना भी है ना उसको क्या है कि आंसर देख करके तो याद आ ही जाता है, हाँ ये बात हुई थी हमारी, क्योंकि भाई इसको निकालना तो है नहीं है, निकालना तो ये ना कुछ जनरेट तो नहीं करना है ना, ऑलरेडी जो लिखा है ना ऑप्शन में उसमें से सिलेक्ट करना है। तो अगर सुन भी लिया है ध्यान से उसने, है ना, उसके दिमाग में उस शब्द अगर आ भी गया है ना, तो फिर क्या वहां पर क्या है कैसे भी दिमाग लगा करके वो काम कर लेता है ना। तो और ध्यान से हम सुने और दिमाग में हमारा शब्द बैठ जाए, है ना, या जो बातें बैठ जाए, इसलिए क्या है कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, देखने के साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा लिख लीजिए उसको, है ना, इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, तो जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा हमारी लर्निंग होगी, ठीक है बेटा, और लर्निंग भी होंगे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा 31st क्वेश्चन है, देखिए इसका क्या है कि ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आंसर है, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पहले क्या है वो देख लेते हैं कि लिखा है कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना, इलेक्ट्रिक मोटर पे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के विरुद्ध के अगेंस्ट किस प्रकार के सुरक्षा है ना आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन जो है ना ओवर करंट, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ये गलत है आपका, ठीक है ना। आपका देखिए यहां पर क्या है लिखा गया है कि इंस्टेंटेनियस रिले हैविंग अ सेटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द मोटर रेटेड करंट इन द रेसिडुअल सर्किट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ऑफ द टू सर्किट ब्रेकर, इसको याद करना है, ठीक है ना। जहां पर 30% कैसे की चर्चा हो रही है, अर्थ फॉल्ट किसका है, मोटर का, मोटर का जो अर्थ पे जो अर्थ फॉल्ट हो सकता है ना, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन में 30% सेटिंग होनी चाहिए किसकी, इंस्टेंटनेस रिले हैविंग अ सेटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली लगभग 30% ऑफ द मोटर रेटेड करंट इन द रेसिड्यूअल सर्किट ऑफ द टू सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है ना। कुछ इंग्लिश के कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम सुन लीजिए ध्यान से, है ना, इससे कुछ आपके काम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी सही है, ग्राउंड वायर, इसलिए क्या है ऑप्शन डी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि बोथ बी एंड सी। चर्चा किसके लिए हो रही है, अर्थ फॉल्ट किस पे, इलेक्ट्रिक मोटर पे, इसके लिए क्या है इंस्टेंटेनियस रिले हैविंग अ सेटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द मोटर रेटेड करंट इन द रेसिडुअल सर्किट ऑफ द टू सिटीज, इसको आपको सेलेक्ट करना है, और ग्राउंड वायर इसको भी सेलेक्ट करना है, ये दोनों ही का इस्तेमाल करते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। जो लास्ट हमारा स्लाइड है जिसमें एक दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं वो ये है, एनी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर डेवलप शॉर्ट सर्किट, है ना, ट्रांसफार्मर की बात है, बात हो रही यहां पर, एनी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर डेवलप शॉर्ट सर्किट बिकॉज ऑफ, क्यों कर सकता है, इंसुलेशन अगर फेलियर हो रहा है ना भाई, शॉर्ट सर्किट का तो मेन कॉज भाई कई सारे हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कॉज क्या आपका, जो इंसुलेशन, जो आपके क्या है कि दो टर्न के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है, जो कोर और बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है, या फिर दो फेज के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है, अगर वो फेल हो जाता है इंसुलेशन, पंचर हो जाता है, जल जाता है इंसुलेशन, उस केस में क्या है कि लिखा गया ना, यानी वाइंडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर डेवलप शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, एक बाइंडिंग के जो डिफरेंट टर्न्स हैं उन टर्न्स में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि उन टर्न्स के बीच में जो आपके इंसुलेशन लगे हैं ना वो क्या हो जाएगा आपका फेल हो गया। तो यहाँ पर जो कॉज होता है इसका कि आपका पावर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का कारण क्या आपका इंसुलेशन का फेल हो जाना, ठीक है। जो 33rd क्वेश्चन है हमारा भाई, वो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेज हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एंटिसिपेटिंग द पॉसिबल मेजर फॉल्ट्स इन अ ट्रांसफार्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ने वाले बंदे को, ऑलमोस्ट सभी बंदे को ये बात पता होता है कि कोई ऐसा प्रोटेक्टिव रिले नहीं है। एंटीसिपेटिंग यहां पर एक शब्द लिखा है बेटा, एंटीसिपेटिंग का मतलब मालूम है क्या होता है कि फॉल्ट होने के पहले ही पता कर लेना कि फॉल्ट होने वाला है। भाई रिले तो नॉर्मल ये करता है ना कि फॉल्ट हो गया तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि फॉल्ट हो गया। कुछ रिले क्या ऐसा भी रिले हो सकता है कि फॉल्ट आने के पहले ही बता दे कि हाँ फॉल्ट होने वाला है। यस, वो कौन सा रिले आपका, बकोलजी रिले। वो कौन सा रिले है, बकोलजी रिले। इसमें बोला बकोलजी रिले बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के रिले के बारे में बताया था, उससे अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन कर रहे थे, ट्रांसफार्मर की कर रहे थे, लेकिन आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी नहीं कर रहे थे। ये सब बात भी आपको याद रखना है, इसी पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बकोज रिले जो है ना आपका एंटीसिपेटिंग रिले है, वो क्या करता है फॉल्ट को एंटीसिपेट कर लेता है, पहले ही पता कर लेता है कि फॉल्ट आने वाला है ना। ये इतनी खासियत है आपकी किसकी, बकोज रिले की, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में पावर ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जो आपका 34th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि
connections of a CTs are opposite to the to that of transformer bindings, so that currents in the pilot wires of two are or have. देखिए यहां पर क्या है बेटा, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना, तो देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हमारी कोशिश या फिर आपको जो रिले ना, रिले की सेटिंग ऐसी होती है कि हेल्दी कंडीशन में क्या करेंगे, रिले का है ना आपका, देखिए यहां पर हमने शायद चर्चा की है आपकी, यहां पर हमने चर्चा की है, देखिए ध्यान से ये फिगर जो है, यहां ध्यान से देखिए, इसमें क्या, अगर हेल्दी कंडीशन में ट्रांसफार्मर है तो ये जो आपका जो ये क्वाइल है आपका रिले का क्वाइल, ये क्या करता है, यहाँ के करंट और यहाँ के करंट का जो डिफरेंस ये मापता है तो जीरो मिलता है उसको, जीरो मिलता है तो फिर क्या हो जाता है बेटा आपका, वो मानता है कि फॉल्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इंटरनल फॉल्ट होता है तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों करंट का डिफरेंस यहाँ कुछ दिखने लगता है, तो ये मान लेता है कि अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ दोनों करंट में डिफरेंस है तब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो हो रहा है तो समझ लेता है कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, और अगर वो समझ लेता है कि फॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि हम थर्ड थ्री फेज ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, आपके जो प्राइमरी है ना वो स्टार डेल्टा में कनेक्टेड हो सकता है, वैसे ही सेकेंडरी क्या है कि आपका स्टार डेल्टा में कनेक्टेड हो सकता है। तो इसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है बेटा आपका कि क्या है कि ट्रांसफार्मर, उसमें तो ऐसे भी करंट आपके दोनों साइड में डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में भी, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी का करंट कम होगा, ठीक है, ऐसे ही करंट डिफरेंस होता है। पता चला ऐसे ही हमने रिले लगा दिया तो नॉर्मल कंडीशन में ही क्या करेगा, ये डिफरेंस रिले एक डिफरेंस मेजर कर लेगा और मानेगा कि फॉल्ट हो गया है, तो रिले की प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या, खासकर जो थ्री फेज रिले है आपका, थ्री फेज जो आपके ट्रांसफार्मर है उसका, उदाहरण के लिए प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों है, अगर मान के लिए प्राइमरी वाइंडिंग आपका क्या है स्टार कनेक्टेड, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या आपका डेल्टा कनेक्टेड, तो जो आपका आपका जो रिले का जो रिले के जो सीटी होते हैं ना उनका देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं, उनका कनेक्शन कैसे करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग प्राइमरी में है ना वहां पर आपके रिले का सीटी जो होता है ना, जैसे ये रिले आपका ये ट्रांसफार्मर है, आप इस क्वेश्चन देखिए, ये क्या आपका ट्रांसफार्मर है ना, ये आपका सीटी है रिले का, ये है सीटी है रिले का, ये सीटी कहां लगा है प्राइमरी वाइंडिंग पे, ये सीटी कहां लगा है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो सीटी है ना, अगर मान चले ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग आपका, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग अगर स्टार में कनेक्टेड है तो प्राइमरी वाइंडिंग की सिटी को किसमें कनेक्ट करते हैं हम, डेल्टा में, और ये अगर डेल्टा में कनेक्टेड है तो स्टार में, उल्टा काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हेल्दी कंडीशन में ये जो आपका रिले का क्वाइल है ना, रिले का क्वाइल है ना, इसमें करंट फ्लो ना हो, अदरवाइज क्या है, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हेल्दी कंडीशन को भी फॉल्ट जैसा डिटेक्ट कर लेगा, फिर काम बिगड़ जाएगा, वो काम ही नहीं करने देगा, समझ लेगा रिले की नहीं फॉल्ट ही है, हेल्दी कंडीशन में फॉल्ट ही है ऐसा समझ लेगा, है ना। तो इसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आप याद कर लीजिए कि जो आपके ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का जो कनेक्शन का प्रकार है, डेल्टा स्टार डेल्टा, अगर प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तो वहां पर जो रिले का सीटी है उसको हम डेल्टा कनेक्टेड लगाएंगे, अगर प्राइमरी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्टेड है तो वहां पे जो सीटी है उसको हम स्टार वाइंडिंग में लगाएंगे। वैसे ही क्या आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड है तो सीटी रहेगा डेल्टा कनेक्टेड, सेकेंडरी वाइंडिंग अगर डेल्टा कनेक्टेड है सीटी कैसा रहेगा स्टार कनेक्टेड, ठीक है ना। तो ये बात है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, द कनेक्शंस ऑफ द सीटीज आर अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स सो दैट करंट इन द पायलट वायर्स क्या है आपका जीरो, सेम करंट फ्लो होगा, तभी तो भाई ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नॉर्मल कंडीशन में सेम करंट फ्लो हो जाए। ये जो हम काम करते हैं ना बेटा, बोला कि स्टार रहे तो डेल्टा लगाओ, डेल्टा रहे तो स्टार लगाओ, यहां स्टार रहे तो डेल्टा लगाओ, डेल्टा रहे तो स्टार लगाओ, भाई दोनों वाइंडिंग में ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी कंडीशन में है ना कोई फॉल्ट नहीं, अगर उस स्थिति में ठीक है ना क्या हो जाए भाई, जो आपका रिले है ना, रिले का जो क्वाइल है ठीक है, जो मैंने बताया था उस डायग्राम में, उस रिले के क्वाइल में क्या हो जाए जीरो करंट फ्लो हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो क्या करेगा उसको वो फॉल्ट नहीं मानेगा, अदरवाइज फॉल्ट मान करके क्या करेगा ब्रेकर को ओपन कर देगा, फिर काम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है कि आपका सेम फेज में बनाने के लिए भाई, क्वांटिटी तो क्वांटिटी सेम कब होती है, जब फेज और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो जाए, तो सेम फेज में बनाने के लिए हम काम करते हैं, ताकि जब सेम फेज में करंट क्वांटिटी रहेगी तो करंट क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी सेम रहेगी, तो क्वांटिटी सेम रहेगी तो क्या है कि आपका हेल्दी कंडीशन में जीरो डिफरेंस आएगा, जीरो डिफरेंस आएगा तो उसको फॉल्ट नहीं मानेगा, फॉल्ट की स्थिति में ही कोई आपका डिफरेंस आएगा तो उसको फॉल्ट मानेगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कनेक्शन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई जो आपके पायलट वायर के जो करंट है ना वो सेम फेज में आ जाए, पायलट वायर का करंट क्या आपके सेम फेज में आ जाए। पायलट वायर कौन से है भाई, पायलट वायर हमारे ये से हैं, ये जो वायर आपके दिख रहे हैं ना ये सब वायर,
देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर एक लाइन दिखाया गया है। ये जो आपको मैंने ऐसा कॉइल बना रखा ना, ये क्या है, सीटी है आपका, किसका, इस रिले का सीटी है, ये सीटी है सेकेंडरी साइड पे लगा है, और ये सब जो वायर आपके दिख रहे हैं ये सब वायर, ये सब क्या आपके पायलट वायर। तो पायलट वायर में करंट क्या है कि सेम फेज में हो जाए नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए क्या करते हैं वो अपोजिट करके लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, यहाँ स्टार है तो डेल्टा, डेल्टा है तो स्टार है तो डेल्टा, डेल्टा है तो स्टार, ठीक है ना, क्यों, ताकि पायलट वायर में सेम करंट जो फ्लो होगा तो यहाँ डिफरेंस जीरो आएगा, तो मानेगा कि हमारा रिले क्या मानेगा, कोई यहाँ पर फॉल्ट हुआ ही नहीं है। अच्छा, और कनेक्शन अगर हमने कर दिया इसी प्रकार से, है ना, नॉर्मल कंडीशन जीरो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ फॉल्ट होगा कि पायलट वायर में करंट डिफरेंट हो जाएगा, फिर क्या आएगा, डिटेक्ट कर लगेगा कि फॉल्ट हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ करके इसको आप याद कर लीजिए, है ना। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है बेटा, तो आप मुझे क्या है कॉमेंट करके, है ना, बता सकते हैं, फिर मैं उसको क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर पर्सनली भी, ठीक है, आपको मैं छोटा सा क्या हो सकता है कि मैं कुछ कॉमेंट में कुछ रिप्लाई आपको दे दूं, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्या है कि हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पार्ट है सॉरी, वो हमारा कंप्लीट होता है पीएसओपी एमसीक्यू। और इस प्रकार से क्या है, जितने ऑब्जेक्टिव्स हमें करने थे ना, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स ही कंप्लीट हो जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट सिक्स, ठीक है बेटा, तो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा देखने के लिए, जो पार्ट सिक्स है उसमें क्या है कि हमने न्यूमेरिकल्स जो है ना करने देखना है हमें, खासकर पर यूनिट सिस्टम पर, और क्या आपका जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के कैलकुलेशन होते हैं ना आपके फॉल्ट में, इन दोनों पर, क्योंकि आपके जो चार चार नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पांच, ये क्या न्यूमेरिकल होंगे, और ये न्यूमेरिकल आपसे बता रहा हूं कि मतलब कि मैं तो ऑलमोस्ट आपसे बता रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरे सिलेबस में अगर न्यूमेरिकल कहीं ठीक ठाक बनते हैं, ठीक है ना, जो और ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो पर यूनिट से और सिमेट्रिकल आपके जो कंपोनेंट्स के कैलकुलेशन से ही पूछे जाते हैं, तो इन दोनों ही जो आपके जो न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं इसको लेकर के हमारा जो है ना पार्ट सिक्स होगा, ठीक है। आप इसको करने के बाद पार्ट सिक्स को भी आप थोड़ा जरूर देखिएगा, ठीक है, उसको मैं जल्दी से आपको आपके बीच लेकर के आऊंगा, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बेटा, ओके।